वेलकम टू द लीगल्स एडुकेयर लॉ क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस ऑन वॉट ग्राउंड्स कॉग्निजेंस कैन बी टेकन एंड हु कैन टेक कॉग्निजेंस तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस से कॉग्नीजेंस मीन्स टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफेंस और टू टेक नोटिस जुडिशियली मीनिंग एक ऑफेंस का संज्ञान लेना जब कोर्ट कॉग्नीजेंस लेता है तो ये एग्जामिन करता है कि अक्यूज के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए सफिशियंट ग्राउंडस है कि नहीं है ये वो स्टेज है जहाँ से जुडिशरी का रोल स्टार्ट होता है किसी भी क्रिमिनल केस में फॉर एग्जाम्पल एक ऑफेंस कमिट होता है उसके बाद उसके रिगार्डिंग एफ आई आर लॉज होती है एफ आई होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन में वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कलेक्ट करता है और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है कंक्लूड हो जाती है वो एक पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और ये पुलिस रिपोर्ट वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और ये देखता है वेदर देर इज़ अ प्राइम प्राइमाफेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करके ये डिसाइड करेगा कि अक्यूज के अगेंस्ट में फर्दर प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि देर इज़ अ प्राइम अफेसी केस वो इस पर ले लेता है और जैसे ही वो काग्निजेंस लेता है स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है मीनिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस करता है टू द अक्यूज मीनिंग अक्यूज को समन किया जाता है कोर्ट में और जब अक्यूज कोर्ट में आता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाते हैं जैसे कि पुलिस रिपोर्ट स्टेटमेंट एट्सेट्रा एट एट्सेट्रा क्वेश्चन इज हू कैन टेक कोग्नीजेंस एज पर सेक्शन टू हंड्रेड टेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कोग्नीजेंस ले सकता है उसके अलावा कोई दूसरा कोर्ट कोग्नीजेंस नहीं ले सकता जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी कॉग्नीजेंस ले सकता है एज पर सेक्शन टू हंड्रेड टेन सब सेक्शन टू बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास उन्हीं ऑफेंसेज का कोग्नीजेंस ले सकता है जिनको वो ट्राई भी कर सकता हो और उसके साथ साथ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे एम्पावर किया हो तभी वो काग्नीजेंस ले सकता है अदरवाइज वो काग्निजेंस नहीं ले सकता सेक्शन 210 हंड्रेड टेन सब सेक्शन वन के अकॉर्डिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन टेक कोग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट मीनिंग किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट की और उस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोग्नीजेंस लिया क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट मीनिंग एक एफ आई आर लॉज होती है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है और पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को और उस पुलिस रिपोर्ट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोग्नीजेंस लेता है क्लॉज सी इज अबाउट इन्फॉर्मेशन केस मीनिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर सुओ मोटो कोग्नीजेंस लेता है देयर फॉर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ केसेज कंप्लेन केस पुलिस रिपोर्ट केस एंड इन्फॉर्मेशन केस हमेशा याद रखना तीन टाइप के केसेस होते हैं कंप्लेन केस पुलिस रिपोर्ट केस एंड इन्फॉर्मेशन केस क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये बार बार आएगा और ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कॉग्निजेंस ले सकता है उसके अलावा कोई दूसरा कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता इट डज नॉट मैटर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है कि नहीं कर सकता इवन केसेज विच आर एक्सक्लूसिवली ट्राइवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट कोग्नीजेंस तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लेगा कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कोग्नीजेंस नहीं ले सकता एज पर सेक्शन 213। सो so, सेक्शन 213 को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पर कोग्नीजेंस लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल हैज़ कमिटेड थेफ्ट इन द हाउस ऑफ वी बी लॉज एन एफ अगेंस्ट ए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है अब पुलिस रिपोर्ट दो टाइप की हो सकती है इट कैन बी क्लोजर रिपोर्ट और इट कैन बी ए चालान चार्जशीट और पॉजिटिव रिपोर्ट पहले इस क्लोजर रिपोर्ट को समझते हैं क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि अक्यूज़ ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है इसके बाद वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन आइदर एक्सेप्ट दिस क्लोजर रिपोर्ट और ही कैन रिजेक्ट अगर वो एक्सेप्ट करता है क्लोजर रिपोर्ट को तो इसका मतलब केस क्लोज हो जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्नीजेंस नहीं लिया अगर वो अग्री नहीं करता है क्लोजर रिपोर्ट से तो वो उस पर कॉग्नीजेंस ले सकता है दूसरा है पुलिस रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट और चालान और पॉजिटिव रिपोर्ट मीनिंग इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है और ये पुलिस रिपोर्ट वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब इस पुलिस रिपोर्ट पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और यह एग्जामिन करेगा कि अक्यूज के अगेंस्ट में प्राइमाफेसी केस है कि नहीं है अगर प्राइमाफेसी केस नहीं है तो वो पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा और कॉग्नीजेंस लेने से मना कर देगा और केस क्लोज हो जाएगा अगर फेसी केस है तो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इस पर ले लेगा फेसी केस का मतलब पुलिस रिपोर्ट में जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं पुलिस ऑफिसर ने विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स लिए हैं एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है अक्यूज के कोई स्टेटमेंट है इन सारे मटेरियल को वो एग्जामिन करने के बाद ए, अगर उसे लगता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसी सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोग्नीजेंस लेता है अगर प्राइम प्राइमाफेसी केस नहीं है सफिशियंट मटीरियल नहीं है अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड देर इज नो सफिशियंट मटीरियल अगेंस्ट द

कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता वो कमिटल पर ही कोग्नीजेंस लेता है जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको केस कमिट करता है उसी पर ही वो इस उस पर ही वो काग्नीजेंस ले सकते हैं उसके अलावा वो डायरेक्ट कोग्नीजेंस नहीं ले सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड मीन्स देर कैन बी एक्सेप्शन जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कोग्नीजेंस ले सकता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कोग्नीजेंस ले सकता है फर्स्ट इज सेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी टू सबसेक्शन टू डेफेमेशन ऑफ प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट और गवर्नर और मिनिस्टर एक्सेट्रा वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन ही कोग्नीजेंस ले सकता है एंड अदर एक्सेप्शन इज सेक्शन थ्री फिफ्टी एट दैट इज एडिशनल प्रोसिक्यूशन मीनिंग कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ट्रायल चल रहा है किसी एक अक्यूज के अगेंस्ट में और वहाँ पर लगता है कि कोई दूसरा अक्यूज भी इन्वॉल्व था तो उस केस में एडिशनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है उस को अक्यूज के अगेंस्ट में और वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कोग्नीजेंस लेता है तो ये था क्रिमिनल कोर्ट्स कॉम्पिटेंसी टू टेक कोग्नीजेंस आई होप आपको बेटर क्लैरिटी मिली होगी अबाउट क्रिमिनल कोर्ट्स कॉम्पिटेंसी टू टेक कोग्नीजेंस कीप लर्निंग इफ यू लाइक आर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब